नमस्कार। हेयर फॉल आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है जो मेल और फीमेल दोनों में देखी जा सकती है। हेयर फॉल की सबसे बड़ी वजह आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, पॉल्यूशन, इलनेस और पुअर डाइट का होना है। इसके अलावा कई केसेस में हेयर फॉल की प्रॉब्लम जेनेटिकल रीजन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से भी होता है। DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल शरीर में बढ़ने से ये बालों की जड़ों के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बालों की जड़ों तक पहुंचने वाली जरूरी न्यूट्रिएंट और ब्लड सप्लाई सही ढंग से नहीं पहुंच पाती और धीमे धीमे हेयर फॉलिकल्स थिन और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल को शुरुआती दिनों में कुछ दवाइयों द्वारा ठीक करने की कोशिश की जाती है, जिसमें मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, बायोटिन और PRP थेरेपी का यूज़ किया जाता है। मगर ज़्यादा हेयर फॉल होने पर और अपने लुक्स को बेहतर करने के लिए कई लोग शुरुआती दौर में ही बाल्डनेस को ठीक कराना चाहते हैं, जिसके लिए एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर FUE हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। FUE जिसका मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, क्योंकि आमतौर पर मेल पैटर्न बाल्डनेस में सिर के ऊपर के बाल ही गिरते हैं मगर सिर के पीछे और साइड के बाल नहीं गिरते, जिसे परमानेंट जोन कहा जाता है। इसलिए डॉक्टर FUE प्रोसीजर करके आपके साइड और पीछे के बाल निकाल कर आपके सर के ऊपर जहाँ बाल कम है वहाँ इम्प्लांट कर देते हैं। FUE हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉमन और सेफ प्रोसीजर माना जाता है। तो आइए देखते हैं FUE हेयर ट्रांसप्लांट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर आपके बालों की हेयर लाइन मार्क करते हैं, जिसमें कोशिश की जाती है कि आपकी हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल लगे। फिर आपके परमानेंट जोन के बालों को सेव किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आपके सर में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन देकर उस एरिया को नंब कर देते हैं, जिससे आपको सर्जरी के दौरान पेन फील नहीं होता। इसके बाद एक माइक्रो पंच मशीन की मदद से आपके परमानेंट जोन के बालों को फॉलिकल्स के साथ निकाला जाता है। इसके बाद इन हेयर फॉलिकल्स को क्लीन करा जाता है। इस दौरान इन सभी हेयर फॉलिकल्स को चिल्ड वाटर में रखा जाता है। फिर डॉक्टर आपके सर में जहां बाल लगाने होते हैं वहां स्पेस बनाते हैं, जिसमें आपके सर में एक ब्लेड या एक नीडल द्वारा छोटे छोटे होल क्रिएट किए जाते हैं और इन होल में निकाले हुए ग्राफ्ट को डाला जाता है। सर्जरी के बाद पेशेंट को एक ही डायरेक्शन में सोना होता है और कुछ केसेस में सर्जरी के बाद फेस और फोरहेड पर स्वेलिंग भी आ जाती है, जो कुछ दिनों में चली जाती है। सर्जरी के 3 दिन बाद आपका हेड वॉश किया जाता है और 2 से 3 मंथ तक ट्रांसप्लांट किए हुए बाल शेड होते हैं, जिसके बाद 4th मंथ से बाल ग्रो होना शुरू होते हैं। ज़्यादातर 10 से 12 महीनों में पूरा रिजल्ट आ जाता है, जो 10 से 20 साल तक रहता है।